अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। और ये जी सुबह सुबह का टाइम है और आज बहुत दिनों से जी मेरी मामा फरमाइश कर रही थी कि सोनिया आज हमें मूली के पराठे खिलाओ। हालांकि मुझे पसंद नहीं है लेकिन अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। तो काफ़ी इनके इंसिस्ट करने के बाद मैंने सोचा चले मौसम भी आ गया और पहले थोड़ी कड़वी कड़वी थी, अब थोड़ी मीठी आ गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी फरमाइश पूरी की जाए। तो वैसे मैं थोड़ी मूड की मालिक हूँ, जब मूड करता है तब बना लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कुकिंग होती है, अल्लाह का शुक्र है जी। बस मैंने जो मूली को कद्दूकश कर लिया, ये जैसे नाश्ते का ही टाइम है तो बस इसका। अच्छा पहले ना मैं ऐसे करती थी, काफ़ी लोगों से मैंने रेसिपी भी देखी सुनी कि जी मूली को आप क्रश करके मतलब बना लें जी। किसी ने ये नहीं मुझे बताया कि जी उसका पानी भी निकालते हैं। लेकिन दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो पराठे थे वो मेरे ठीक नहीं बने, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसी जो रेसिपी है वो अपने व्यूअर्स को भी बताऊं और बताऊं इसका भी कि कैसे बनता है। और इसका जी आप पानी निचोड़ लें क्रश करने के बाद, बस इसका एक ही ट्रिक है, इसका पानी निचोड़ें। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हम लोग इसका सालन बना के डालते हैं पराठे में, कुछ लोग क्या बोलते हैं कुछ लोग क्या, लेकिन ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है और इससे पराठा आपका फटेगा भी नहीं और क्रिस्पी और इतना टेस्टी बनता है, यकीन करें कि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि आप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बस जी आपने कद्दूकश कर लेना, उसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लेना, वो जो पानी निकाल लेते हैं ना उसकी कड़वाहट और सब कुछ वो निकल जाता है। तो बाकी अब हमारे पास वो प्रॉपर वाइट वाइट कलर को बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसमें मैंने घर के ही मसाले डाले हैं, उसमें मैंने हरी मिर्च, हरे धनिया और घर के ही मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा नाश्ते में या वैसे भी कभी दोपहर में जब दिल हो आपका खाने को मूली के पराठे, तो इसी रेसिपी से बनाइएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है इसका मटेरियल रेडी हो गया, आप मटेरियल बना के रख भी सकते हैं और जब दिल करे आप उसी टाइम पराठे बना भी सकते हैं। और जी बस आज फिर माशाल्लाह से फरमाइश भी पूरी होने जा रही है, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे कि सोनिया कब ये पराठा लाएगी और हम लोग खाएंगे और बताएंगे जी कैसा बना। और जब लोग हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं दिल भी थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है, स्पेशली जब आपके ऊपर एक फरमाइश आ जाती है कि जी आज ये खाना है तो डर भी लग जाता है कि जी मतलब परफेक्ट बनता भी है या नहीं। तो खैर मेरी कोशिश तो है, आप लोग सब बताइएगा, मैं अब आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और इन्जॉय करें ये रेसिपी। तो बस मैं इसके किनारे वगैरह बंद कर दूंगी और बस बहुत ही मज़ेदार ये पराठा है, सिंपल सा व्लॉग है आप लोगों के लिए, आप लोग सब सुनाएं कैसे हैं। और बस हाथ पे मैंने बनाई है ना रोटी, इसलिए इतनी ज़्यादा परफेक्ट गोल नहीं है, लेकिन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बन तो गया ना मेरा पराठा। तो बेलने पर मुझे नहीं बनाने आती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि बेलने से रोटी पता नहीं मेरी कहाँ चली जाएगी, उसे चिपक जाती, मुझे नहीं बनाने आती। और शुरू से वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पे ही बनाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती है, वैसे खाने के लायक होती है। और आप लोग सब सुनाएं क्या हो रहा है, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें वेलकम जी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों के नए नए मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं बहुत अच्छा आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच जी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप या देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो बस जी मैं अब घुमाई जा रही हूँ इसे क्रिस्पी करूँगी। और स्पेशल आपको पता है जब पराठा बनाया जाता है तो वो घी से बहुत मज़े का बनता है, ऑयल में इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता, घी से काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये तो आज हमारे नाश्ते की बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि आप सबको भी भूख लग रही होगी, अच्छा लग रहा होगा ये मेरा पराठा। तो बस जी जिसका अब आजकल सर्दी आ रही है, किसी का दिल चाहता है ब्रेड खा लेता है, किसी का दिल चाहता है कुछ क्या, तो इसी तरह से नाश्ता भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी लेयर अंदर से मतलब कैसी है। और ये इसके साथ भी मैंने थोड़ी सा ना रायता भी बना लिया था चटनी, तो वो भी काफ़ी अच्छी बन गई थी, उससे मज़ा आता है। और साथ में जी चाय मतलब हो तो क्या ही बात है, चाय जो यहाँ पे चाय के लवर हैं वो तो चाय के बगैर कुछ भी नहीं खाते, बस कहते चाय मिल जाए हमें कैसे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप सबको जी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह आप प्यार भरा
कमेंट करते रहें। अच्छा, मैं 2 से 3 बार मतलब ट्राई कर रही थी कि मतलब कैसे कैसे बनाया जाता है। एक तो मैंने लेयर वाला ऊपर रोटी रख के ये बनाई, और दूसरा फिर मैंने ना इसके अंदर ही रोटी को मतलब डाल के और नान की तरह वो मैंने फोल्ड कर लिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा बन गया था। बड़ी मतलब डर डर के और बड़े आराम आराम से मैं रोटी को बेल रही थी कि बस किसी तरीके से राउंड हो जाए ये। तो ये देखिए, वैसे ये अच्छा बन गया ना, इसका राउंड भी बहुत अच्छा आ गया और ये रोटी के अंदर जज्ब हो गया। इसका जो मैंने मटेरियल में डाला था नमक मिर्च, तो वो एज इट इज़ मतलब परफेक्ट आ गया था, क्योंकि आटे में मिक्स हो गया फिर उसके बाद मटेरियल में भी, तो काफ़ी चटपटा सा ये बन गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग भी आएँ मेरे साथ, खाएँ, इंजॉय करें। और बस दिन का पता ही नहीं चलता, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, या फिर कभी भूख ही नहीं लगती फिर, या रात को ही खाना होता है, दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो आप सब मेरे लिए दुआ और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार पराठे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत मज़े किए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा, ये देखिए फुल किनारे किनारे तक इसका जो मटेरियल है वो फैल चुका है। ये नहीं है कि जी सेंटर में है, बाकी जो रोटी है वो ड्राई हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में जी मैंने रायता भी बना लिया था, चटनी। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।